स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 16 का. कहता है द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 38 सेंटीमीटर. कहता है कि हमारे पास डायमीटर आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स क्या है, कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को इस तरह से टच करे कि आपके पास वो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. तो यहाँ पे आप लोग के पास वो यही कहता है कि हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है. सर्कुलर का मतलब ठीक है कि आप लोगों के पास जो है ना, आपने डायमीटर सर्कल से रिलेटेड लेना है. तो वो कहता है सर्कुलर सिलेंडर इज 38 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, लिटरल सर्फेस फाइंड करनी है और टोटल सर्फेस एरिया जो है वो आपने फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग अपना डायामीटर लिखेंगे. तो डायामीटर 38 सेंटीमीटर है. हम सब जानते हैं कि रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है. तो आर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 38/2 विच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर. अब हमारे पास उसने कहा यहाँ पे स्टूडेंट्स, उसने जो आपको लेंथ बताई है, तो यहाँ पे चूंकि सिलेंडर की लेंथ अब इस तरह से तो मैयर नहीं की जाती, सिलेंडर की हमेशा हाइट मैयर की जाती है. तो यहाँ पे जो आपके पास लेंथ का वो तस्करा कर रहा है, ये आपके पास हाइट होगी, ठीक है. इसे आप एच इक्वल टू 28 सेंटीमीटर कहेंगे. अब सबसे पहले वो हमारे पास वॉल्यूम मांग रहा है, तो हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब चूंकि हमारे पास वो हॉलो सिलेंडर की बात नहीं कर रहा, वो हमारे पास सिंपल सिलेंडर की बात कर रहा है, सर्कुलर सिलेंडर की, तो हम पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे. पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स 3.14 आपने सब्स्टिट्यूट करनी है. 3.14 सब्स्टिट्यूट की 19 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 28. इन सबको जब मैंने 19 का स्क्वायर लेना है पहले, फिर आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 31,739.12 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम है. नेक्स्ट स्टूडेंट, उसने कहा है लिटरल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है. तो लिटरल सरफेस एरिया हमारे पास सिर्फ सिलेंडर का जो आपको भेजा गया है रिटन फॉर्म में भी, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRh. हम लोगों ने 2π 3.14, r हमारे पास 19 सेंटीमीटर था और h हमारे पास लेंथ. यहाँ पे जो कि उसने लेंथ के माना में दिया है, और हम सब जानते हैं कि सिलेंडर की लेंथ नहीं होती बल्कि सिलेंडर की हाइट मेजर की जाती है. तो यहाँ पे आप लोग के पास यहाँ पे ये जो लेंथ के माना में वो दे रहा है, ये आपके पास एक्चुअली सिलेंडर की हाइट है. तो यहाँ पे h की जगह आप 28 सेंटीमीटर पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 3340.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब चूंकि आप लोग के पास एरिया है, तो एरिया का फार्मूला जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है. तो यहाँ पे चूंकि सेंटीमीटर हमें दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है. उसके बाद स्टूडेंट्स, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ सिलेंडर, सिंपल सिलेंडर की बात कर रहे हैं. सर्कुलर यहाँ पे कहा सर्कुलर हो या सिंपल हो, ठीक है, बात एक ही है. एरिया आपके पास इक्वल होता है 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर. अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पे देखें 2πRh मैंने फाइंड किया है ऑलरेडी, तो ये मैं ऐसे ही एज रियल लिख दूंगी. तो एरिया मेरे पास, ठीक है, या आप इसे लिख दें टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया हमारे पास इक्वल आ जाएगा, 2πRh फाइंड किया तो वो आया 3340.96 प्लस 2π 3.14, और r मेरे पास आया था जी 19 का स्क्वायर. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आप लोगों के पास आ जाएगा, 3340.96 प्लस, इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास आया 2267.08, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5608.04 सेंटीमीटर स्क्वायर. चूंकि यहाँ पे भी आप एरिया, बेशक टोटल सरफेस एरिया करें, लिटरल सरफेस एरिया करें, या आप लोग के पास कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया का यूनिट हमेशा आपके पास स्क्वायर में होता है, ठीक है. और वॉल्यूम हमारे पास चूंकि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजों को कवर करता है, इसलिए उसका यूनिट हमारे पास क्यूब में होता है. तो ये स्टूडेंट्स आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 16, चैप्टर नंबर 16, मेंसुरेशन ऑफ सिलेंडर का. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. बाकी तमाम क्वेश्चंस आपको रिटन फॉर्म में सेंड किए जा चुके हैं, उनको अच्छे तरीके से देखें. जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप लोग पूछ सकते हैं.